नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु। और दोस्तों, तुसी किसी भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस विच आपां नूं पंजाब जीके ते चंगी पकड़ होनी चाहिए है, तां ही अपना एग्जाम जिहड़ा क्रैक होवेगा। एंड पंजाब जीके की तैयारी करन तो पहले आपां नूं इह टॉपिक्स देख लेने चाहिए ने कि पंजाब जीके विचों आपां किहड़े किहड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं, जिन्हां विचों डायरेक्ट एग्जाम विच जिहड़े क्वेश्चन ने वो उठ के बनते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। जे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो में लाइक नहीं किया तो हुणे तो कर दो। दोस्तों, पंजाब जीके विच हुण गल करिए तां किहड़े किहड़े टॉपिक विचों आपां क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सब तो पहले आपां नूं पंजाब राज का ज्ञान, जो भी स्टेट्स ने पंजाब के, उन्हां दे भूगोल, जलवायु, जंगल, अपने पंजाब के जिन्हें भी ने, मिट्टी दीआं किस्मां ते खनिज बारे पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम विच इन्हां रिलेटड आपां नूं देखने को मिलते हैं। तो इस तों इलावा पंजाब का नक्शा, किन्नी अपनी बाउंड्री है, तो अपने जिहड़े पड़ोसी राज्य किहड़े ने, मतलब जे तुसीं पंजाब का नक्शा देखिया तो तुहानूं ईजीली पता लग जाएगा कि टोटल अपने किन्ने डिस्ट्रिक्ट ने, किहड़े जिले ने किन्ना एरिया घेरिया होया। मतलब कि जिवें आपां हुण बठिंडे जिले की गल कर लां तां आपां नूं मैप विचों पता लग जाऊगा कि इन्ने स्क्वेयर मीटर या इन्ने स्क्वेयर फुट कल्ले बठिंडे जिले ने पंजाब विच घेरिया होया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम विच काफ़ी देखने को मिलते हैं। एंड पंजाब की राजधानी अपनी चंडीगढ़ बारे भी पूरी जानकारी होनी चाहिए, मतलब कदों फॉरमेट हुई सी, ते कदों किन्ना एरिया इसने घेरिया होया, एंड कि तरीक नूं अपनी यह पंजाब की राजधानी घोषित की गई सी चंडीगढ़। इस तों इलावा गल करिए पंजाब का इतिहास बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतिहास की गल करिए दोस्तों, आरिया लोगों का जन्मकाल बारे अपन पता होना चाहिए, तो इन्हें रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तों इलावा ईरानी और यूनानी हमलों बारे अपन जानकारी होनी चाहिए, मौर्या वंश, गुप्तकाल, वर्धमान काल, ते मुसलमान का जो आगमन होया से अपने पंजाब इंट्री हुई सी, उस रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इस तो अलावा दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तो लोधी वंश, नॉर्मली गल दसा जोड़े भी अपने पंजाब नाल वंश या जोड़े भी मुसलमान या यूनानी ईरानी रिलेट करते जिन्होंने अपने पंजाब उत्ते कब्जा किया हुआ से, उन्होंने बारे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा नंबर विच क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं पंजाब के इतिहास विचों। और दोस्तों, पंजाब के इतिहास बारे टॉपिक वाइज मैं तुम्हें एक वीडियो डेली प्रोवाइड करवा दिया करा, जिम्मे हम पास सब तो पहला आर्या के जन्म रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट MCQ बनते हैं उसकी तुम्हें मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। जो तुम वीडियोज थ्रू पढ़ना कंफर्टेबल तुम्हें फील हों कि अस वीडियो पढ़िए, मतलब वीडियो देख के जो भी इंपोर्टेंट MCQ दसते हैं उन्होंने राइट डाउन करके फिर अपनी स्टडी जारी रखिए, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम्हें रेगूलरली ही एक न्यू वीडियोज़ पंजाब के इतिहास रिलेटेड मिल जाए करेगी। बट जे तुसी बुक्स थ्रू पढ़ना चाहते हो पंजाब का इतिहास, यानी पंजाब की GK पूरी बुक्स थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। दोस्तों, यह लेटेस्ट एडिशन बुक है, तो मैं खुद भी इस बुक में रीड करना, तुसी भी यह बुक ऑनलाइन एमाजॉन तो खरीद सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चैक जरूर कर लियो जो तुसी बुक्स विचों पढ़ना पसंद करते हो। तो अगे गल करिए दोस्तों, आपां पंजाब GK विच सब तो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिहड़े अपने सिख धर्म अते सिख गुरुआं बारे, दसे गुरुआं बारे आपां पूरी नॉलेज होनी चाहिए है। तो इस तों इलावा एंगलो सिख युद्ध बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए है, तो महाराजा रणजीत सिंह का टाइम से जिहड़ा उन्हां बारे भी आपां नूं जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इन्हां रिलेटड भी देखने को मिलते हैं। इस अलावा पंजाब समाज सुधारक लहरां किहड़ी किहड़ी चलियां सी उन्हां रिलेटड आपां नूं जानकारी होनी चाहिए है। पंजाब समाज सुधारक लहर जिवें दोस्तों निरंकारी लहर चली सी, राधा स्वामी लहर, इस तरह के क्वेश्चन आपां नूं देखने को मिलते हैं। इस तों इलावा सिंह सभा लहर रिलेटड भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, बाबर अकाली लहर अते समाज सुधारक लहरां बारे आपां नूं पूरी जानकारी होनी चाहिए है। तो इस तों इलावा गल करिए दोस्तों, पंजाब करिए पंजाब के आजादी घुलाटियां यानी फ्रीडम फाइटर बारे जानकारी होनी चाहिए, जिवें पंजाब विच फ्रीडम फाइटर काफ़ी हुए हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह, इन्हां रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन आपां एग्जाम विच देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन एग्जाम विच देखने को मिलते हैं। तो मैं हमेशा कहना हुन्ना कि आपां हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ ओना पढ़ो जिहड़ा कि आपां नूं कम आ सके, फालतू आपां होर कुछ नहीं पढ़ता। जो तुम पंजाब GK विच ये सारा सिलेबस में कवर कर लोगे तो तुम ईजीली एग्जाम में क्रैक कर लोगे। एंड दोस्तों, मेरी मानो तो जी पंजाब GK वास्ते एक बुक परचेज ही कर लो, करना की है फिर बुक विचों सब तो पहला बुक विचों पढ़ना है, तुम थ्योरी पढ़नी है, उस तो बाद उही टॉपिक यूट्यूब पर सर्च मारना, तो उस रिलेटड सारे MCQ अपनी नोटबुक में लिख लेने।
इस तरह दोस्तों परफेक्ट तैयारी एग्जाम की होंगी होंगी। कि बुक का लिंक मैं तुम्हें वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिता, एक बार जाके चैक कर लो। पर दोस्तों जो तुम चाहते हो कि मैं नैक्सट वीडियो थोड़ी डिमांड पर बनावा तो वीडियो में मैं कमेंट करके दस दो कि सर नैक्सट वीडियो मैं इस टॉपिक पर या इस प्रॉब्लम पर चाहिए है, तो मैं तुम्हें नैक्सट पार्ट जो वीडियो का बनावगा तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगा। एंड दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो चैनल में सबसक्राइब करे बिना ना जायो, तो वीडियो में लाइक भी जरूर करके जायो, तो एक प्यारा जहा कमेंट भी जरूर करके जायो।